हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस इज गुरचरण। तो कल 15 अगस्त है। लोग शायद अब 15 अगस्त ठीक से मना भी नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट ने आज अच्छा तड़का लगा दिया है, जिसकी वजह से कल भी मैंने सेल करवाई थी मार्केट 10,360 पे। आज भी मैंने सेल ही दी थी। मैंने बोला 10-11 बजे, मैंने सुबह ही आपको बोल दिया था 11,360 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो नहीं क्रॉस कर पाएगी मार्केट। तो मेरा टारगेट था 11,200, 11,150 का टारगेट था, तो वो कंप्लीट हो चुका। फिर फेक बाउंस आया था वहाँ से, फिर थोड़ा सा 40-50 पॉइंट वहाँ पे दोबारा बुक कर लिए। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से मार्केट ने आज इतनी बड़ी सेलिंग हुई है मार्केट में, आज ये अच्छा संकेत नहीं आने वाले टाइम में। ठीक है, मतलब मार्च के बाद ये सबसे बड़ी, मतलब इतनी बड़ी मतलब बिकवाली हुई है, सबसे बड़ी बिकवाली है। आप समझ आओ, मार्केट में मैंने पहले बोल दिया था, पोजिशनल कॉल्स थी जो मेरी, मैंने सबको बोल दिया था बुक कर लो, बुक कर लो। अगर जो बंदा टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता वो बंदा लूज़र है। प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से जिसके पास भी है। तो अभी फेक बाउंस थोड़ा सा फिर मार्केट में आ सकता है, अगर मार्केट ने मौका दिया तो। ना मौका दिया, अगर मार्केट ने मौका नहीं दिया तो मार्केट इतने बुरे तरीके से गिरेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। तो अभी वीडियो मैंने ये NTPC का रिजल्ट आ चुका है, उसके रिलेटेड बनाई है। तो आज मैंने सेलिंग, तो मतलब मार्केट को सेल तो करवाया था पर सेलिंग के स्टॉक्स नहीं दिए, तो मेरे पास थोड़ा सा बिजी था, वरना मैं स्टॉक्स भी सेल करवाता। 11 बजे NTPC बाय किया। देखो, आज ही मैंने NTPC का रिजल्ट की वीडियो बनाई, आज ही मैंने इसको बाय दिया था, 1 रुपया उसमें बुक कर लिया आज ही। तो मैक्स फाइनेंशियल में 2 रुपये का ऐसा लेट हुआ। विनती ऑर्गेनिक में 990 बाय किया, 1,010 तक गया, वहाँ बुक कर लिया विनती ऑर्गेनिक। जस्ट डायल में 2 रुपये बुक किए, 389 से 391 तक गया जस्ट डायल। 12 बजे फिर ICICI बैंक बाय किया, 369 तक बुक कर लिया। फिर कोल इंडिया बाय किया, 132 से 134.50 तक गया, वहाँ बुक कर लिया। EIH एवरेज किया, उसको मैंने पोजिशनल के लिए होल्ड दिया था, तो वो भी प्रॉफिट में ही आया, ट्रेंड मारा, बुक कर लिया। ICICI बैंक भी बाय दिया, वो 360 से 362 तक गया एंड में। मतलब सेल वाले स्टॉक्स मैंने मिस कर दिए, वरना आप लोगों को डेफिनेटली मैं स्टॉक सेल करवाता। तो मार्केट का, मेरे कहने का मतलब, जिस तरह से आज 200-250 पॉइंट की, 11,350 से आप लेके चलो 11,200-150, 200 पॉइंट की बहुत भयंकर ये बिकवाली है। ये बहुत भयंकर, ये मार्च के बाद का सबसे बड़ा सीन हुआ है। मार्च 20 के बाद, 24 के बाद मार्केट संभलनी शुरू हो गई थी, अप्रैल से मार्केट संभलनी है, उसके बाद ये सबसे बड़ी बिकवाली है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी, मैं तो लोगों को यही संदेश दूंगा, जिसके पास है प्रॉफिट बुक कर लो एक बार, बाकी बात की बाद में देखेंगे। तो अभी जो है, NTPC के नतीजे आए हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिसके नतीजे आए, मतलब इतने खराब नतीजे, बहुत बहुत एवरेज नतीजे आए हैं, जितनी इसके एक्सपेक्टेशन थी उसी के अकॉर्डिंग ही नतीजे आए, तो बहुत बढ़िया नतीजे आए, लगभग मैं यही कहूँगा। इनका कोई सेल्स में ड्रॉप नहीं हुआ है, और सेल्स भी ठीक है, 1% से बड़ी कंसोलिडेट 26,194 करोड़ की इन्होंने सेल दिखाई जून की। मतलब इनका काम चला है, थर्मल प्लांट वालों का काम चला है, बिजली तो इन्होंने सप्लाई करनी होती, बिजली तो सभी जगह गई है, चाहे बंदा घर बैठा, चाहे फैक्ट्री चली ना चली, प्रोडक्शन इन्होंने की है। 25,931 करोड़ थी पहले जून में 2019 में, 1% ये बढ़ी है, सेल्स भी बढ़ी है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो 2,890 करोड़ आया, वो भी 1.88% बढ़ा है, 2,837 करोड़। मेरे कहने का मतलब, नतीजे जो बोलते ना, पॉइंट टू पॉइंट नतीजे आए हैं, बहुत क्लासिक नतीजे आए हैं इनके। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 9,947 करोड़ थी जून 2020 में, 31% वो भी बढ़ गया, पहले 7,241 करोड़ थी।
एनटीपीसी का ईपीएस भी इंक्रीज हुआ 2.92 से, पहले 2.87 था जून 2019 में। वही बोल रहा हूँ कि इनके नतीजे बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। हम ऐसी गंदी मार्केट में, मतलब कोरोना वाली सिचुएशन में जो नतीजे इन्होंने पेश किए, बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। एनटीपीसी शेयर क्लोज्ड 87.25, ये तो और इनका प्रॉफिट जो एनटीपीसी बीट स्ट्रीट एस्टिमेट्स क्वार्टर वन प्रॉफिट जो है, ये कंसोलिडेटेड की बात करेंगे, 6% कंसोलिडेटेड से प्रॉफिट गिरा। रेवेन्यू स्लिप्स अबाउट 3%। ये पोल्ड का हेड एंड एस्टिमेट एनटीपीसी प्रॉफिट एट स्टार, ये पोल्ड पोल वगैरह की इनकी है न्यूज। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी फ्रॉम एनटीपीसी ऑन 14 अगस्त रिपोर्टेड 5.9% ईयर इन ईयर फॉल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंसोल 2948 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 अगेंस्ट 3132 करोड़। ये कंसोलिडेशन की बात हो रही है। कंसोलिडेशन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑन अप टू पॉइंट है। मतलब मैं आपको ये बोला कि नतीजे मतलब बढ़िया, इतने ज़्यादा खराब नहीं नतीजे मैं बोलूंगा, ठीक है। कंसोलिडेशन रेवेन्यू केम एट 26,194 करोड़, डाउन 2.57% फ्रॉम 26,886 करोड़ इन करोड़। मेरे को पता था मार्केट में बिकवाली आनी ही आनी है। कब तक मतलब मार्केट को ऊपर रख सकते, इतनी देर मार्केट को ऊपर नहीं रख सकते थे, क्योंकि मार्केट का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके अकॉर्डिंग ही तो चलना पड़ता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो कि मार्केट के मूवमेंट को समझ लेता है कि मार्केट कहाँ से घूमनी है। मैंने परफेक्ट आपको इतना बड़ा सेल आपको दिया 11, कल भी मैंने सेलिंग करवाई थी 11,200। आज भी मतलब कल ही मैंने बोल दिया था बल्क में जितने सेल करना है इसको सेल कर दो, मार्केट को गिरना ही गिरना। नंबर बीट एस्टिमेट्स ये वही आपने लोगों को बता। कंसोलिडेटेड ईबीएडीटी रोज 21.1% टू 8,947 करोड़ अगेंस्ट 3,758 करोड़। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मनी कंट्रोल की साइट पे आके, ये देखो जून के 25,931 करोड़ सेल थी मेरी। सिंपल आप बात समझ लो, मेरी सेल्स आई 26,000 करोड़। मतलब जितना था एक्सपेक्टेशन उतने के आसपास ही ऑन एन एवरेज एक शेयर बैलेंस। ये मार्केट में जैसे होता है द्रविड़, क्रिकेट में पहले द्रविड़ हुआ करता था, बैलेंस्ड बनाए रखते हैं ये मार्केट, ना ज्यादा टूटते हैं ना ज्यादा भागते हैं। मतलब ये बैलेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर अच्छे हैं। और खर्चे देखूं तो खर्चे निकालने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बच रहा 6,010 करोड़ बच रहा, जबकि 4,700 करोड़ था, ठीक है, जून 2019 में। फिर एक्सेप्शनल आइटम डालने के बाद जो प्रॉफिट मेरे पास बच गया 2,814 करोड़ बच गया, ये कंसोलिडेशन प्रॉफिट है। तो पहले मेरा 2,600-2,700 करोड़ था, अभी 2,800 करोड़ है, तो 100 करोड़ का कहीं ना कहीं मेरे को मुनाफा हुआ है। ये कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की 1.88% मेरा प्रॉफिट जंप हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं नतीजे ये अच्छे हैं। और ईपीएस देख लो 2.92 के था, पहले मेरी 2.87 की ईपीएस थी, तो ईपीएस भी मेरी कहीं ना कहीं 5 पैसे से बढ़ी है। तो नतीजे शेयर, ये होल्डिंग वाला शेयर है, जिसने शेयर बाय करना, मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर मार्केट डिस्काउंट करती है तो मार्केट डिस्काउंट करने के अकॉर्डिंग आपको ये 80 रुपये तक मिल सकता है। 80 रुपये तक आप, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ पोजिशनल होल्डिंग के लिए बनाता हूँ, इसका जुए बाजारी सट्टे बाजारी से कोई लिंक नहीं है। तो मतलब सिंपल मैं बोल रहा हूँ, जो कैश जो इन्वेस्टर बंदे हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ये, ताकि लोगों को मेरी वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। 80 रुपये तक अगर आपको ये शेयर मिलता है तो 80 रुपये तक आप इसको बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो मेरा पोजिशनल टारगेट इसका होगा, जो पहला टारगेट होगा 95 का टारगेट होगा, देन 100 आएगा, फिर 110 भी जाएगा, ये मेरा पोजिशनल टारगेट होगा। 110 से 115 का मेरा टारगेट है, 95 से लेके 115 तक का मेरा पोजिशनल टारगेट है। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी 20 रुपी है, तो मतलब वही 20% की अपसाइड है। तो अगर आपको बाय करना है
सिंपली इसको अकोमोलेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ये आएगा शेयर मेरा टारगेट इसका आएगा तो 80 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगाना है सिंपली, 80 रुपये से नीचे मत रखना है, उसके पास बाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ लोग मार्केट में अग्रेसिव भी होते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ ऑन द स्पॉट भी बाय कर सकते हैं, अगर नीचे बाय करोगे तो ज़्यादा बेहतरी होती है, ठीक है। तो नतीजे तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़िया शानदार नतीजे आए हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन का आपको डाटा दिखा देता हूँ जिन्हें देखना हो, ये अगस्त महीने का है, यहाँ पे आप देख सकते हो 88 पे चल रहा है। तो मैं नीचे की तरफ अगर पुट वाली साइड पे देखता हूँ, यही 80 रुपये की स्ट्राइक के ऊपर मेरे 2,96,000 के सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब जो पुट लेकर बैठे हुए हैं, पुट लेके बैठे हुए हैं 80 रुपये की स्ट्राइक के ऊपर, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट डिस्काउंट करती है तो 80 रुपये के पास आसपास बाय करना, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग यहाँ पे हुई पुट हुई हुई है। बाकी देखो 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 7,98,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 8,87,88,000 तो आसपास चल ही रहा है। तो मतलब मेजर स्पोर्ट मेरी 80 रुपये की आ रही, नीचे का सारा ये नीचे ब्लैक है सारा। ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो ऑन द स्पॉट जो बाय करते हैं तो मेरा ऊपर पहला टारगेट 95 की स्ट्राइक पे 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए अगस्त महीने के, 44 लैक्स। तो ये बहुत बड़े है, मतलब 95 तो आएगा ही आएगा जिस तरह से नतीजे आया। इतनी मंदी के नतीजे में इन्होंने नुकसान नहीं मतलब प्रॉफिट ही शो किया है, 1% 2% इन्होंने बढ़ा के नतीजे, इस तरह की सिचुएशन में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। देखो 100 रुपये की स्ट्राइक के ऊपर भी मेरे 40-41 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर अगर ऊपर चेक की तरफ चले 105 पे 8 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, 8,20,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। ऊपर 110 पे 2,28,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ नीचे 80 रुपये के बेस मान के चलो, और या कॉल राइटिंग की साइड देखोगे तो 80 रुपये पे देखो आप 16,75,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, 75-80 रुपये की स्ट्राइक जो कॉल राइटर जो बैठे कि मार्केट नीचे आए। तो अगर नीचे आती तो कहीं ना कहीं इनको भी फायदा होगा, 80 रुपये तक आपको अगर मिलता है शेयर तो बहुत अच्छी बात है। देखो 104.5 की स्ट्राइक के ऊपर भी 9 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पुट जो पुट स्पॉट वाले बैठे हुए हैं तो वो भी बता रहे हैं कि ऊपर 105-10 का टारगेट आना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से वीडियो का एनालिसिस आपको कर दिया है। तो मार्केट डिस्काउंट करेगी, जिसने भी ज्वाइन करना मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है, नीचे लिंक नंबर दिया गया, ये ऊपर भी नंबर फ्लैश कर रहा मेरा, तो इंट्राडे कॉल्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप, पोजिशनल कॉल के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर। Não, não.